हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम फिर क्या करते हैं, ध्रुपद प्रमेय का एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सीखेंगे ध्रुपद पद के गुणांक एवं उनके गुण यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड दियर प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड दियर प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखा जाए तो हमने बहुत पहले बात भी किया है, उसी से मिलती जुलती कुछ चीज़ें हमने बातें करना जो फर्स्ट वाले लेक्चर में पार्ट वन में बनाया, तो वही सब चीज़ें ना, बट थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में, एक्स प्लस वाई टू पावर एन का विस्तार जो होता क्या होता है, एन से जीरो एक्स टू पावर एन वाई टू जीरो प्लस एन सीवन, दूसरा पद इतना होता, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये होता है, ऐसे ही डॉट डॉट होता है। फिर मैंने सीखा था एक्स माइनस वाई टू पावर एन के प्रसार में एन से जीरो एक्स टू पावर एन वाई टू पावर जीरो, फिर यहाँ पे माइनस हो जाता, फिर दूसरा पद ये, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक ऐसा होता था। आप एक कॉमन चीज़ देखो, इसमें सब में प्लस प्लस है, इसमें आप देखो जब ये वाला टर्म आया है यानी एन सी वन वाला, तो यहाँ माइनस हो गया है, जब यहाँ माइनस था तब, ऐसे एन सी टू है तो यहाँ प्लस आया है, ऐसे ही एन सी थ्री आएगा तो उसमें माइनस आ जाएगा, एन सी फोर आएगा तो प्लस आ जाएगा साइन, एन सी फाइव वाला आएगा तो उसमें माइनस आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, जो एक्सपेंशन करूँगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दो, देखो एक्स इसको और इसको जोड़ दिया, जोड़ोगे तो ये वाला माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, यानी सब प्लस वाले जुड़ेंगे, बचेंगे खाली, तो ट्वाइस आपको अगर वही है, ये दो मिल जाएगा, ये भी इससे मिल जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे, ये आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देते हैं, जैसे हम हमने किया है, तो ट्वाइस आप क्या होगा, जितने आपके सम वाले होंगे प्लस वाले कट जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ऐसी बातें होंगी। एक ट्वाइस आपके एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन वाई टू पावर एन, एन सी थ्री वाला बचेगा, एन सी फाइव वाला, एन सी सेवन वाला, इस तरह से बचता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे होंगे तब। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में रहनी चाहिए। दूसरी बात है क्या है, हमने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ सीखना है, तो प्रॉपर्टी नंबर वन हम क्या सीखेंगे बाबू, कि यहाँ पे बताया ये गया है कि द्विपद प्रसार में, पढ़ के हम बता रहे हैं, द्विपद प्रसार में प्रारंभ तथा अंत से बराबर दूरी पर स्थित पदों के द्विपद गुणांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या है वो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखो दो लिखा, एक आपका ये सम संख्या का लिखा है, यहाँ पे भी सम संख्या लिख दिया है। ठीक है, फोर सी वन, अब फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर, तो आप देख रहे हो जो वैल्यू आपका फोर सी जीरो की है वही फोर सी वन की है, जो फोर सी वन की है फोर सी थ्री की है, जो ये बात समझ आ रही है। ऐसे अगर यहाँ पे थ्री है, देखो जो वैल्यू आपकी थ्री सी जीरो की है वही सी थ्री की है, फिर ये वाला जो वैल्यू इसके बराबर है, कैसे आया, ये फार्मूला आपको मैंने बताया था जब पार्ट वन बताया था कि एन सी आर बराबर आप लिख सकते हो एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब है इधर से जैसे दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पर इसका देखो बराबर है, यहाँ का पहला वाला देखो इसके बराबर, इसका यही मतलब आप समझा दें, जैसे फोर सी जीरो, फोर सी जीरो जो होगा क्या लिखा जाएगा, फोर सी आपका यहाँ पे क्या फोर माइनस जीरो, यानी ये हो जाएगा फोर सी फोर, तो उसी तो बराबर आएगा। ऐसे मैं कह दूँ फोर सी वन, ये किसके बराबर होगा, फोर सी एन माइ फोर एन माइनस आर, यानी आपका थ्री के बराबर होगा। ये बात यहाँ बताने का प्रयास किया, बस भाई बराबर दूरी, मतलब देखो अंत वाले हैं ये वाला अंत, इनका बराबर माने, दूसरा वाला टर्म यहाँ पे इधर वाला से लास्ट है, दूसरा वाला भी बराबर आपका, ये बातें हमें बताना था। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं, जिसे मिटा देते हैं सारी चीज़ों को। अगली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। अब क्या कह रहा है कि मतलब प्रमेय नंबर दो यानी प्रॉपर्टी नंबर टू समझिए क्या है, द्विपद गुणांकों का योग क्या होता है, टू एन के बराबर होता है, टू टू पावर एन के बराबर होता है। मतलब कहना क्या चाहता है, देखिए पहले तो एक चीज़ और यहाँ पे सीख ले, तब इस चीज़ को समझाते हैं। अगर हम क्या करें, समीकरण जो आपका पहला बना हुआ है इसमें, ठीक है, यक्ष के स्थान पे क्या करें बाबू, यक्ष के स्थान पे एक रख लें और वाई के स्थान पे क्या करें बाबू, यक्ष रख लें, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा,
इसके स्थान पे एक रखना है तो एक हो जाएगा धन, इसके स्थान पे एक्स रखना है एक्स, होल टू पावर क्या हो जाएगा एन बराबर। अब यहाँ बदलते जाओ, देखो जहाँ एक्स टू पावर कुछ भी हो, हमने कहा एक्स टू पावर कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तो यानी एक की पावर एक्स की नहीं, एक की पावर कुछ भी उसका मान क्या होगा जीरो नहीं होगा यार, एक होगा। ठीक है, तो आप बताइए जहाँ एक्स है वहाँ एक रखेंगे जहाँ जहाँ है। अच्छा, और एन सी जीरो का मान आप जानते हैं कितना होता है, जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मान जीरो एक हो जाएगा, इसका तो ये एन सी जीरो हो जाएगा यहाँ से प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन सी वन, एक्स की पावर है तो इसका मान यानी यहाँ पे वाई वन हो जाएगा, वाई का मान भी हम यहाँ पर लिखे हैं एक्स लेंगे, एक्स टू पावर वन हो जाएगा प्लस, ऐसे एन सी टू एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे ही प्लस एन सी थ्री एक्स का क्यूब आएगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर अगर एक रखते तो इसका मान आपका एक हो जाता, वाई वाई का स्थान पर एक्स रखते तो एक्स स्क्वायर, तीसरी लिखा अगला टर्म भी ऐसे होता प्लस ऐसे डॉट 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 यहाँ एन सी एन होता, और इसकी पावर देखो आपका क्या एक होता तो ये कही आता, यहाँ पे एक्स होता तो एक्स टू पावर एन होता। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर वन प्लस एक्स टू पावर एन का अगर आप एक्सटेंशन कर दो तो एन सी जीरो, ठीक, यानी यहाँ पे एक्स टू पावर जीरो रख सकते हो, ऐसे आपका होता चला जाएगा। एक्स यहाँ देखो आपका जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, ऐसे एक्स चार होगा, ऐसे आपका यहाँ पे एन लग जाएगा। वास्तव में इसको मैं समझाने के लिए समीकरण दो कर दे रहा हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सीखते हैं, जिसको आपका यहाँ पे थ्योरम नंबर टू दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि द्विपद, अच्छा ये सब क्या है, ये एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, ठीक है, ये आपके द्विपद गुणांक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं वो, द्विपद गुणांक यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोले जाते हैं। क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोले जाते हैं, और इनको हम चाहें तो सी जीरो इसको सी वन, ऐसे ही सी टू, ऐसे ही सी थ्री, ऐसे ही यहाँ पे सी एन, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में, ये इसको भी आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलोगे, एन सी जीरो को भी आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलोगे, यानी यहाँ पे एन आपका हिडन हो जाता है, कुछ बात नहीं होती है। ठीक, समझ में आ रहा है, इसको मिटा दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो इसमें सब समझ में नहीं आए। चले, अब क्या करिए, जो समीकरण सेकंड है ये वाला लिखेंगे, समीकरण सेकंड में x बराबर एक रखने का, अब जहां पे x वहां एक रख दीजिए। देखो अगर यहाँ x रखो तो एक धन एक मतलब दो हो जाएगा, ये टू टू पावर एन आ जाएगा बराबर, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी आपको क्या मिलेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन। तो आप देख क्या रहे हो, ये सब क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, द्विपद गुणांक है, इनका समेशन है, इनका समेशन कितना होता है, टू टू पावर एन के बराबर होता है। कभी कभी कंपटीशन में भी ये बातें पूछ देता है, सिद्ध करने के लिए आ जाता है, ठीक है, सवाल भी आता है, ये बातें याद रहेंगी, तो ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, ये बात समझ में, कब सिद्ध होगा बाबू, जब आपको ये फार्मूला पता रहेगा वन प्लस एक्स टू पावर एन, ये अगर याद है एक्स के स्थान पर एक रख दीजिए, आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो समेशन होता है योगफल होता है टू टू पावर एन के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, ये भी आपके प्रमेय है यानी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिया। दूसरा क्या है आपका प्रमेय नंबर थर्ड यानी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कह रहा है कि वन प्लस एक्स टू पावर एन के प्रसार में सम पदों के गुणांकों का योग तथा विषम पदों के गुणांकों का योग बराबर होता है, पहली बात यह सिद्ध करना है, तथा इनकी जो वैल्यू है टू टू पावर एन माइनस वन के बराबर होती है। बोलो ये बात है, चलिए आइए देखते हैं। अब आप क्या करिए, इसी समीकरण सेकंड में लिखा जाएगा, समीकरण सेकंड में क्या करिए, एक्स बराबर माइनस वन रख दीजिए, रख दीजिए जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस वन, बताओ आप यहाँ पे रखोगे माइनस वन तो माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो टू पावर एन यानी जीरो, इतनी बात तो समझ लोगे।
अब जहाँ भी एक्स है वहाँ माइनस वन, देखो यहाँ पर रखोगे तो इसका मान चेक करेगा, यहाँ मेरे बचेगा एन सी जीरो, यहाँ रखोगे तो माइनस हो जाएगा। जहाँ पे घात समझो विषम रहेगी वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सम होगी वहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो ये वाला आपका एन सी वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन सी टू, फिर माइनस एन सी थ्री, फिर प्लस एन सी फोर, फिर माइनस एन सी फाइव, फिर प्लस एन सी सिक्स, ऐसे ही आपका माइनस एन सी सेवन, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे होगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक, यहाँ लिख सकते हो आप प्लस एन सी एन माइनस वन टू पावर एन। अब देखो जितने माइनस वाले हैं सबको इधर भेज दो, तो बचेगा क्या एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बराबर कितनी हो जाएगा बताओ। ये सबको उधर भेज दिए थे, यानी एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर एन सी फाइव हो, ठीक ऐसे होगा। ठीक है, देखो दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए दोनों क्या हो गए बाबू बराबर हो गए। तो अगर हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अगर हम क्या, अब तो ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात हमें बराबर मिल गई, ये समीकरण थर्ड बना देते हैं, क्या समीकरण थर्ड बना देते हैं। ठीक, तो आप एक बात बताओ, आप अगर इस पे ध्यान दें, किस पे ध्यान देना बात को, अगर आप देखो ध्यान दो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन बराबर जो टू टू पावर एन आया था, तो अगर इसको हम अलग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एन, ये हम जानते हैं इतना हमें सिद्ध गया था एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, एक ब्रैकेट में लिख लें, ओके, और यही आपके बराबर है किसके, आपका प्लस प्लस क्या है आपका एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस नहीं टू नहीं थ्री होगा प्लस एन सी फाइव प्लस डॉट 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 बराबर है कि नहीं टू टू पावर एन, बताओ। और आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ट्वाइस आप कह सकते हो, हाँ बोलो ट्वाइस आप कह सकते हो। तो ये बताओ पहले ये मिटा दें, ऊपर से कुछ मिटा दें, ऊपर दिखाएं तो आपको दिखेगा नहीं, चलो मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो आप यही देखो ध्यान से, रुक जाओ, ये वैल्यू देखो, ये दोनों बराबर है, बताओ ये दोनों बराबर वैल्यू है तो इसको हम ट्वाइस आप जोड़ रहे हो ना प्लस साइन, देखो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो ट्वाइस आप ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट 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 बराबर है टू टू पावर एन की, यही तो टू टू पावर एन है। अब आप मुझे बताइए यहाँ से एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट 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 बराबर टू टू पावर एन अपान क्या हो जाएगा टू, यहाँ घात एक। अब घातांक का नियम भी आप जानते हो, एक्स टू पावर एन अपान एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन माइनस एन, वह ये घात ऊपर से घटेगी, यानी आपका एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट डॉट बराबर टू टू पावर एन माइनस वन है, सिद्ध हो गया। अच्छा यही वैल्यू आप जहाँ देखो इसके बराबर भी है, तो इसके बराबर भी आप लिख सकते हो, यानी इसके बराबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी फाइव बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इस तरह से इसे सिद्ध किया था, यही होता सम पदों के गुणांकों का जो योग होता है, विषम पदों के गुणांकों के योग के क्या होता है आपका वैल्यू होती है टू टू पावर एन माइनस वन होती है, याद रखी जाती है। किस तरह से हल किया सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।